हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश 1, चैप्टर 5। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? द बलून मैन। ओके, कौन था? बलून मैन। तो बलून मैन का चैप्टर ख़त्म होके आज हम देखने वाले हैं वर्कबुक में पार्ट 2, चैप्टर 5, और टॉपिक का नेम है द येलो बटरफ्लाई। ओके, तो द येलो बटरफ्लाई के जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर से वो आज हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सो फर्स्ट वी कैन सी आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों? आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट फ्लू इन सोनूस गार्डन। तो सोनूस के गार्डन में कौन उड़ रहा था? येलो बटरफ्लाई फ्लू इन सोनूस गार्डन। कैसा बटरफ्लाई था? येलो बटरफ्लाई। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। आंसर, सोनू फर्स्ट शो द येलो बटरफ्लाई ऑन अ रेड रोज। कहाँ पे देखा था उसने? रेड रोज था ना, वहाँ पे उसके ऊपर वो बैठा था। थर्ड नंबर, व्हाट वॉज देयर इन द पॉन्ड। देर वॉज अ व्हाइट लोटस इन द पॉन्ड। जो तालाब था, पॉन्ड, उसके अंदर क्या था? तो व्हाइट लोटस, तो व्हाइट कमल थे वहाँ पे। फोर्थ नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन सोनू क्लाइम द पीच ट्री। व्हेन सोनू क्लाइम द पीच ट्री द बटरफ्लाई फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। जब वो उसको पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ रही तब वो वहाँ से उड़ गया। फाइव नंबर, Named the 3 places where the butterfly rested. The butterfly rested on a red rose, on a lotus flew, in the pond, on a pink flower of the peach tree. Okay? Sixth number, why did Sonu chase the butterfly? Sonu chased the butterfly because he wanted to catch it. तो उसको क्या करना था? पकड़ना था उसको। Seven number, Where was the butterfly caught? The butterfly caught in spider's web. कहाँ पे वो पकड़ा गया था बेचारा? स्पाइडर, जो स्पाइडर की जो नेट आते हैं ना, वो बनाता है उसके अंदर। What was there in the middle of the web? There was a, उसके बीच में क्या था? वेब के बीच में जो वेब आते हैं ना, उसकी जाली, उसके अंदर क्या था? There was a big hungry spider in the middle of the web. तो वहाँ पे एक भूखा हुआ स्पाइडर, करोड़िया क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर का करोड़िया, तो वो था वहाँ पे। कैसा था वो? एकदम हंग्री, मतलब कि हंग्री का मीनिंग होता है कि भूखा। हमें जब भूख लगती तब कैसे बोलते हैं हम? आई एम फीलिंग हंग्री। ओके, तो वो भी हंग्री था। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, 9 नंबर में है, व्हाट डिड सोनू डू व्हेन ही शो द स्पाइडर क्राउलिंग टुवर्ड्स द बटरफ्लाई। व्हेन सोनू, तो हम देख रहे थे 9 नंबर का क्वेश्चंस, व्हाट डिड सोनू डू व्हेन ही शो द स्पाइडर क्राउलिंग टुवर्ड्स द बटरफ्लाई। तो व्हेन सोनू शो द स्पाइडर क्राउलिंग, जो जब उसने सोनू को देखा स्पाइडर को क्राउलिंग करके, टुवर्ड्स द बटरफ्लाई ही रैन एंड कॉक्ड द बटरफ्लाई। तो वो बटरफ्लाई क्या कर रहा था? वो बेचारा फंस गया था उसके अंदर, उसको डर लग रहा था कि अभी ये मुझे खा जाएगा। तो सोनू ने दौड़ के क्या किया? उसको पकड़ लिया। 10 नंबर, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो। सोनू ने क्यों बटरफ्लाई को छोड़ दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक सैड। तो वो कैसा लग रहा था उसके हाथ में? सैड लग रहा था। ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। जब उसने वो उसको छोड़ दिया तब वो खुश लग रहा था। ओके, 11, What did the butterfly do when Sonu let it go? Why? The butterfly flew merrily from flower to flower and because it was free once again. तो वो बहुत खुश हो गया था कि अभी मैं फिर से अकेला फ्री हो गया हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चंस वर्कबुक में कंप्लीट करना है और आपको लर्न भी करना है। ओके बच्चों, सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स। तो फर्स्ट है, द बटरफ्लाई वॉज, कैसा था वो? ब्राउन, येलो, ब्लू या रेड? तो येलो। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? येलो। सेकेंड,
और फर्स्ट द बटरफ्लाई सेट ऑन अ, कहाँ पे बैठा था वो, रेड रोज के ऊपर। थर्ड नंबर, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो फ्रॉम द रेड रोज, तो लोटस लीफ। इन द पॉन्ड देयर वॉज अ वाइट लोटस, तो कैसे लोटस थे, वाइट। फ्रॉम द लास्ट लोटस फ्लावर द बटरफ्लाई फ्लू टू अ पीच ट्री। ओके, द बटरफ्लाई वॉज कॉक्ड इन अ स्पाइडर्स वेब, द बटरफ्लाई लुक शेड, द बटरफ्लाई फ्लाइज एंड टर्न टू एस्केप फ्रॉम द वेब, द बटरफ्लाई फ्लटरेड इट्स विंग्स टू एस्केप फ्रॉम द वेब। ओके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, फ्लटरेड। नेक्स्ट पेज में देखेंगे, 10 नंबर में है, द स्पाइडर लुक हंग्री, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी। ओके, द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज फ्री वंस अगेन। एक्सरसाइज 3 में है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट है अ, तो येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन, सोनू वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, फर्स्ट द बटरफ्लाई सेट ऑन अ रेड रोज, देर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड, द बटरफ्लाई वॉज कॉक्ड इन अ स्पाइडर्स वेब, द बटरफ्लाई फ्लटरेड इट्स विंग, द बटरफ्लाई ट्विस्ट एंड टर्न टू एस्केप फ्रॉम द वेब, द हंग्री स्पाइडर क्राउलेड टू कैच द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट की। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रू फॉल्स। ओके, तो फर्स्ट है, फर्स्ट द बटरफ्लाई सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, तो रॉन्ग, द बटरफ्लाई सेट ऑन पिंक रोज, रॉन्ग, देर वॉज अ वाइट लोटस इन द पॉन्ड, राइट, देर वॉज अ स्पाइडर्स वेब इन द पॉन्ड, तो रॉन्ग, द बटरफ्लाई वॉज कॉक्ड इन द वेब, राइट, बटरफ्लाई एस्केप फ्रॉम द वेब, रॉन्ग, बटरफ्लाई वॉज इन सोन, द बटरफ्लाई वॉज हैप्पी इन सोनूस हैंड, तो रॉन्ग, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, draw and color the things that can fly in the sky, draw and color three things that can fly in the sky, तो sky में कौन उड़ सकता है उसके three pictures आपको यहाँ पे draw करना है, like butterfly, और butterfly जैसा कौन आता है, एक और कोई भी birds नहीं, birds का तो नहीं आएगा, लेकिन animals आपको कोई भी things यहाँ पे draw करके आप बटरफ्लाई भी ड्रॉ कर सकते हो, उसके अंदर मनपसंद के कलर भी आप फील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर में, नेम द इंसेक्ट्स जो फ्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो पिक्चर्स, तो यहाँ पे फर्स्ट है फ्लाई, एंट, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हनी बी एंड ग्रास ओपर, कौन है, ग्रास ओपर। ओके, तो ये 4 पिक्चर में से आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, 3 उसमें आपको कलर भी फिल करना है। ओके, नेक्स्ट पेज में देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, तो आपको फ्लाई यहाँ पे वर्ब दिया गया है एक, उसका आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का आपको राइट करना है फॉर्म्स। ओके, तो फ्लाई का सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्लाइज होगा एंड पास्ट टेंस में फ्ल्यू। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंब, तो प्रेजेंट में क्लाइंब होगा एंड पास्ट में क्लाइंब। ओके, यहाँ पे कैच है, तो प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैचेस एंड पास्ट टेंस में कॉक्ड। ड्रिंक, फोर्थ में है ड्रिंक वर्ब, उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे ड्रिंक टी, दे ड्रैंक टी। ओके, टेल, तो टेल का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में द टीचर टेल्स अस अ स्टोरी एंड पास्ट टेंस में द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी। ओके, स्टॉप, तो स्टॉप का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यू स्टॉप द बस एंड पास्ट टेंस में यू स्टॉप्ड द बस। ओके, थ्रो, जय थ्रोस हिज बैग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थ्रोस हिज बैग एंड जय थ्रू हिज बैग। फॉल का क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉल्स,
दिशा फर्स्ट डाउन एंड दिशा फेल डाउन. तो ये सिंपल पास्ट टेंस से फेल और फॉल सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ओके, तो आपको ये लर्न करना है ये वर्ब टेंस के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में कैसा आएगा, थ्रोस, ऐसे आपको लर्न करना है. ओके, नॉट ओनली राइट, लर्न भी करना है आपको. सिक्स नंबर में है मेक. तो मेक का क्या हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, दे मेक पेपर बोट्स. ओके, क्या आएगा, दे मेक्स, मेक्स आएगा. ओके, दे मेक्स पेपर बोट्स, सॉरी सॉरी मेक आएगा क्योंकि यहाँ पे दे है इसलिए यहाँ पे एस नहीं आएगा, ओनली मेक आएगा. दे मेड पेपर बोट्स. ओके, ड्रॉप, तो अनिल ड्रॉप्स, तो यहाँ पे नेम है ना ही सी, तो वहाँ पे आप वर्ब के पीछे एस लगाओगे. तो यहाँ पे अनिल का, अनिल है एक ही लड़का है, तो यहाँ पे अनिल ड्रॉप्स हिज ग्लास एंड अनिल ड्रॉप हिज ग्लास. ओके, डांस, मयूरी डांसेस, यहाँ पे मयूरी कौन है, एक लड़की है, तो यहाँ पे वर्ब के पीछे एस लगेगा. मयूरी डांसेस नाइसली, मयूरी डांस नाइसली. ओके, 12 नंबर रिंग्स, रामू रिंग्स द बेल, रामू रैंग द बेल. गो, अमर गोस टू द गार्डन, अमर वेंट टू द, गोस का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, वेंट. ओपन, किरण ओपन्स द डोर एंड किरण ओपन द डोर. स्टैंड, तो स्टैंड एट द बस स्टॉप एंड स्टूड एट द बस स्टॉप. तो आपको ये वर्ब लर्न करना है. ओके बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स. तो आपको यहाँ पे एडवर्ब्स के हिसाब से आपको राइट करना है. तो फर्स्ट है द लायन वॉक प्राउडली, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, सोनू वॉक साइलेंटली, आई कैन रीड इंग्लिश इजीली, माई ग्रैंड मदर वॉक स्लोली, द सन शाइंस ब्राइटली, द लिटल गर्ल सेड सैडली. ओके, तो ये है एडवर्ब्स. क्या है एडवर्ब्स, द बॉयज शाउटेड लाउडली, मीना सिंग स्वीटली, वी क्रॉस द रोड क्विकली, द बर्ड सेंग मेरीली, द गर्ल्स टॉक सॉफ्टली, जय स्पॉक नाइसली एंड यहाँ पे लास्ट है करेक्टली. ओके, तो आपको ओनली एल वाई लगाना है और जहाँ पे आई है उसके पीछे लाइक मेरी वाई है वाई, तो आपको वहाँ पे आई लगा के एल वाई करना है. ओके, करेक्टली. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस. क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशंस, तो अभी हम इंग्लिश ग्रामर में 13 चैप्टर में पढ़े प्रीपोजिशंस, तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, इन, ऑन, अंडर, नियर, अप, डाउन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. तो आपको यहाँ पे कोई पूरा सेंटेंस रीड करना है और पिक्चर के फॉलो करना, आपको यहाँ पिक्चर से फॉलो करके आपको यहाँ पे प्रीपोजिशंस राइट करना है. तो यहाँ पे है फर्स्ट द फ्लावर्स इन द वास, तो वास के अंदर क्या है फ्लावर्स रखे गए हैं. ओके, तो अंदर है उसके इसलिए यहाँ पे इन आएगा प्रीपोजिशंस. द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे कौन है कैट, तो अंडर आएगा यहाँ पे. ओके, कबर्ड, द कबर्ड इज नियर द ब्लैक बोर्ड, तो कबर्ड कहाँ पे है ब्लैक बोर्ड के बाजू में. ओके, तो यहाँ पे नियर प्रीपोजिशंस आएगा. द मैन इज गोइंग अप द स्टेज, तो वो ऊपर जा रहा है. ओके, अप ऑफ द स्टेज. द बुक्स आर कहाँ पे रखी गई है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो ऑन प्रीपोजिशंस आएगा. द है पप्पी इज नियर द सोफा, तो सोफा के बाजू में कौन है पप्पी, तो नियर आएगा. ओके, द बर्ड इज इन द केज, कहाँ पे है बर्ड, इन द केज के अंदर. द काउ इज नियर द ट्री, ट्री के बाजू में कौन खड़ा है काउ. द कॉक इज ऑन द वॉल, ओके, तो ऑन द क्लॉक, सॉरी क्लॉक, तो क्लॉक कहाँ पे रखी गई है घड़ी वॉल के ऊपर. ओके, तो ऑन द वॉल आएगा. नेक्स्ट है द कार इज इन फ्रंट ऑफ द गेट, तो गेट के आगे क्या खड़ी है कार, तो इन फ्रंट ऑफ आएगा. क्या आएगा प्रीपोजिशंस, इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट पेज में देखेंगे, द बॉय इज बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे कौन खड़ा है बिहाइंड बॉय. ओके, तो बिहाइंड आएगा. द बॉय इज रनिंग डाउन द हिल, तो हिल के नीचे कौन रनिंग कर रहा है बॉय, तो यहाँ पे डाउन आएगा प्रीपोजिशंस. क्या आएगा डाउन, मतलब कि नीचे. द बाइसिकल इज नियर द कार, तो कार के बाजू में क्या है बाइसिकल कार. ओके, द बॉय इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, कहाँ पे चढ़ रहा था वो
क्लाइंबिंग ऑफ द ट्री, ट्री के ऊपर. द ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ टेबल, द ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, टेबल कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ब्लैक बोर्ड टेबल के आगे है. ओके, द स्क्विरल इज रनिंग डाउन द ट्री, ट्री के नीचे कौन रनिंग कर रहा है, स्क्विरल, खिसकोली. ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 2 कंप्लीट हो रहा है. तो आपको ये वर्कबुक PDF के हिसाब से कंप्लीट करनी है और आपको ये होमवर्क में PDF में भेजूंगी. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन.